दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। लुधियाना स्थित जैन स्थानक एसएस जैन सभा शिवपुरी में लाला महंगा राम लाहौरी व पूरन जैन परिवार की ओर से सत्संग का आयोजन किया गया। इस दौरान सत्संग करते हुए नाहर जैन परिवार ने पूर्वजों का गुणगान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर एसएस जैन महासभा पंजाब उत्तरी भारत के प्रधान राकेश जैन, कोषाध्यक्ष नरेंद्र जैन, एसएस जैन सभा के प्रधान विनीत जैन, चेयरमैन डॉ मुलखराज जैन, नाहर संघ के प्रधान मनीष जैन, आदर्श जैन, राजीव जैन, बब्बी सुभाष जैन व अन्य लोग भी शामिल हुए। अज नाहर परिवार का जो खंडजा महीने के एक दिन रखा जाता है, उस मैं अपने आप को आके इसी परिवार का सदस्य समझना है, अपने आप को गौरवमय महसूस करना है। और चार साल पहला जेड़े दादी कोठी को मनने वाले है, चाहे नाहर है, हुशियारपुर है या पट्टी दे है, कोई भी इतने लुधियाने के आके अपने कर्म भूमि बनाया है। और उन्होंने चार साल पहला अपने बड़िया उन्होंने दादिया मादिया मनने लिए इतने जरा मेरे खंडजा बनाते हैं, वो मैं बधाई दिना है। और खासकर जो पहले प्रधान सतीश जी से और उन्होंने नाल आदर्श नाहर जिन्होंने ये सबू इकट्ठा किया सारे परिवारों, हूँ अशोक मनीष इतने के रेजिडेंट है। और अज का जोड़ा खंडजा है वो बनीत जैन एस एस जैन सभा शिवपुरी के प्रधान है, तो उन्होंने परिवार ने लाला राणी कमला राणी जैन जैन परिवार ने यह अच्छा जो खंडजा पै दिता है। तो इन्हों मैं यही इशारा करूँगा कि जिस तरह भाभी परिवार, जिस तरह बंगिया वाला परिवार ने अपनी जगह लिखी, अपनी जगह बनाई है, इदा ही नाहर परिवार भी अपने अशोक मनीष के नेतृत्व इतनी अपनी जगह लैके अपने परिवार में सारे उसका सहूलियत हो। मैं एक बार फिर इस काम लिए शुभ मंगल कामना इन्होंने दिना है। एस एस जैन महासभा पंजाब का अध्यक्ष होने के नाते इस सारा समूह जोड़ा है, ये सारा मेरा परिवार है, इन्होंने मैं हर महीने कट्ठे होने के बहुत बहुत जनरल सैकटरी एस एस जैन कॉन्फ्रेंस पंजाब जो अच्छा विधु जी विनीत जी जो कि एस एस जैन शिवपुरी के प्रधान भी ने, उन्होंने वालों नाहर परिवार के सारे बंद यहाँ पर इकट्ठा करके नवकार का अखंड जाप और बाबा जी और दादी जी के गुणगान के लिए सभा आयोजित की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो भी इंसान अपने बुजुर्गों को याद करता रहता है वो हमेशा सुख समृद्धि के लिए नई सीमाओं को छूता है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि कृपया अपने बुजुर्गों को याद रखें, बुजुर्गों का मान सम्मान करते हुए उनको याद रखें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।